श्री राघवेंद्राय नमः। आप इन चेहरों को पहचानिए, बीच में ममता दीदी हैं और पार्थो मुखर्जी और अनुव्रत मंडल दोनों पश्चिम बंगाल के विभूति हैं, आधुनिक महापुरुष हैं। अर्पिता पार्थो भट्टाचार्य के पास जहाँ अरबों की संपत्ति मिली, एसएससी घोटाले में पार्टी से निकाले गए, सारे पद छीन लिए गए, लेकिन पैसे कहाँ से आए। और अर्पिता मुखर्जी इनकी गर्लफ्रेंड, उनके पास भी करोड़ों रुपए मिले, 52 करोड़ रुपए से बेसी नकदी मिले, जिसे गिनने के लिए मशीनें लगानी पड़ी। ये गरीबी दूर करने का एक नया नुस्खा, एक नई तकनीक निकाल ली है राजनीतिज्ञों ने। बिहार में कार्तिकेय सिंह के पास 22 करोड़ से बेसी रुपया है, वो कानून मंत्री बने हैं, उनको कानून 16 अगस्त को वारंट निकाला था, लेकिन वो कानून मंत्री बन रहे थे इसलिए उनको कानून को तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये पार्थो मुखर्जी हैं, पार्थो और उधर सुब्रत मंडल, पार्थो दा का क्या कहना, रुपयों से मन नहीं भरता, अब भरे भी क्यों, सोने चांदी हीरे मोती से मन नहीं भरता, फिर मन भरे भी क्यों। गर्लफ्रेंड भी कई हैं, उनके घरों में नोटों के बंडल पड़े हुए हैं, शर्म इतनी कि शर्म भी शर्मा जाए। इन बेशर्मियों के पास जनता के दुख दर्द को दूर करने के नायाब तरीके आ गए हैं। ये सुभाष चंद्र बोस का नाम रोशन कर रहे हैं, ये स्वामी विवेकानंद का नाम रोशन कर रहे हैं, ये बंगाल की धरती का नाम रोशन कर रहे हैं, ये खेला कर रहे हैं, क्योंकि दीदी ने कहा था खेला होवे खेला होवे खेला होवे, और खेला हो रहा है। अब कोलकाता हाई कोर्ट, अभिजीत गंगोपाध्याय सिंगल जज ने कहा कि कोई सरकारी